तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेथन। तो आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हम खेलने जा रहे हैं फैन बस सिमुलेटर। तो बने रही हमारे साथ। तो देखिए, हमारा गेम चालू हो चुका है। अरे इसे क्या हो गया, ये क्यों गिर गया? शायद भूतू तो आ गया होगा, बट कोई नहीं, हम बस पर फोकस करते हैं। तो देखिए हमारी बस कितनी मस्त दिखाई दे रही है आगे से देखते। ओ आगे से तो बहुत ही अच्छी दिख रही है यार, मतलब ब्लू और ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा। अरे ये क्या फ़ोन है शायद? ओके तो हमारे पास सेल फोन भी है, ठीक है। तो बस में एंटर करते हैं, डोर ओपन करते हैं। ओके तो डोर करते हैं लॉक। थोड़ा बस को अंदर से भी देख लेते हैं, अंदर का इंटीरियर कैसा है बस का। तो अंदर से भी बहुत ही सही है दोस्तों बस। तो ठीक है, चलते हैं नीचे और बैठते हैं हमारी ड्राइविंग सीट पर। तो ठीक है, बस के कुछ कंट्रोल्स देख लेते हैं हम, जैसे वाईफाई, वॉशरूम क्लीनर्स वगैरह सब ऑन कर देते हैं, एसी वगैरह। ठीक है, तो मैंने सारे कंट्रोल्स देख लिए और सब कुछ ऑन कर दिया है। तो बस भी स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं, बस को स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं दोस्तों। तो ठीक है, बस भी स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। तो गियर डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओ वाओ यार, कितनी स्मूथली आगे बढ़ रही है हमारी बस, आप देख सकते हैं, मज़ा ही आ रहा है। मतलब आज तक तो सिर्फ बस में ट्रैवल किया था, लेकिन आज बस का एक रियल एक्सपीरियंस आ रहा है चलाने। मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ सच में मैं ही चला रहा हूँ। ओके गेट ओपन कर दे भाई, वरना कहीं गेट ना तोड़ दूँ मैं। ठीक है, तो जाना का है मैप में देखते। ठीक है, तो ऐसे राइट। ओके, और इससे देख ही सकते कि बाहर का नज़ारा तो क्या ही मस्त लग रहा है यार। मतलब ट्रैफिक वगैरह यार, मतलब बाकी सब भी ठीक ही है। और एक बात मैं बता दूं कि मैं कीबोर्ड पर खेल रहा हूँ, मेरे पास कोई भी स्टीयरिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे मैं ये गेम प्ले कर रहा हूँ। कीबोर्ड पे ही नॉर्मली खेल रहा हूँ क्योंकि इतना पैसा नहीं है मेरे पे कि मैं वो एफोर्ड कर सकूँ। तो प्लीज़ सॉरी, कीबोर्ड पे ही खेलना पड़ रहा है हमें, गरीब हैं हम लोग, गरीब। तो अभी हमें जाना है कुछ पैसेंजर से, मतलब जो बस का जो मेन स्टॉप होता है ना, जो बस स्टैंड कहते हैं, वहाँ पर, वहाँ से हमें कुछ पैसेंजर्स लेने हैं। फिर वहाँ से हम पैसेंजर्स को चेक इन करेंगे, उनके टिकट्स वगैरह, फिर वहाँ से हम निकलेंगे डेस्टिनेशन के लिए, जो कि हमारा डेस्टिनेशन है स्टटगर्ट। ओके, तो हमें वहाँ जाना है। वो अच्छा, स्पीड ब्रेकर है तो धीरे करनी पड़ेगी यहाँ पर। ओके कर ली हमने, चीज़ स्लो, एकदम स्लोली निकाल ली बस को, कोई डैमेज वैमेज नहीं होना चाहिए आखिर, फर्स्ट टाइम जो बस चला रहे, वरना कहीं पता चला है कि बस को अच्छा खासा डैमेज पड़ गया और दूसरे दिन जॉब से निकाल दिया हमें। तो बाहर से देख ही सकते हैं आपकी बस कितनी प्यारी लग रही है हमारी, जो कि अब हम आ चुके हैं हमारे बस स्टैंड पर। तो अच्छे से पार्क कर लेते हैं बस को। ठीक है, तो अब पैसेंजर को चेक इन करते हैं, उनके टिकट्स वगैरह। ओके, तो पहले ये लगेज कंपार्टमेंट खोल देते हैं जहाँ पर पैसेंजर्स के लगेज वगैरह रखा जाएगा, बैग्स वैग्स। ठीक है, तो अंकल आपका टिकट दिखा दीजिए भैया। ओके, तो स्कैन, ठीक है आपका टिकट है हमारे पास। ओके, आपका भी टिकट दिखा दीजिए मैम। टिकट, टिकट, एक्सक्यूज मी अंकल, टिकट दिखा दीजिए। Vielen Dank. Salut, das Ticket, bitte schön. Sehr freut. ओके, तो ये लास्ट अंकल बचे, इनका भी टिकट चेक कर लेते। ओके, तो गाइज मैंने सबके टिकट चेक कर लिए, अब सबको बस के अंदर एंट्री दे दी, अब हम भी निकलते हैं सब। ओके, तो मैं बस में आ चुका हूँ,
डोर लॉक कर लिया है और बस को स्टार्ट करते और निकलते। ओके तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जिससे कि हम कुछ ज़्यादा स्पीड से बस सिटी में नहीं चला सकते, ओवर स्पीडिंग हो जाएंगे जिससे हमारा फाइन काट दिया जाएगा। जैसे कि शहर की जो सिटी की लिमिट होती है उसी 50 होती है, उसके ऊपर हम नहीं जा सकते। अगर उसके ऊपर गए तो हमारा फ़ाइन कट जाएगा और जो पैसेंजर्स है वो भी थोड़े बहुत मतलब नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन हाँ, सिग्नल वगैरह का इतना कुछ इतना है नहीं, तो सिग्नल वगैरह तो मैं इतना कुछ देखता नहीं यार, कौन टाइम वेस्ट करे उस पर रुक कर, इससे अच्छा चला देते। तो हम अभी सिटी के बाहर आ चुके हैं दोस्तों, जो कि हम हाईवे पर लग जाएंगे अभी थोड़ी देर से। अब कुछ ही वक्त में हम मेन हाईवे पर ही आ जाएंगे। तो हमारी जो डेस्टिनेशन है वो कुछ 171 किलोमीटर है, तो हमारा अराइवल टाइमिंग जो है वो 10:11 का है वहाँ का, और हम अभी जो वक्त हो रहा है वो 8:10 हो रहा है, ठीक है। तो कोई नहीं, आराम से जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है, और थोड़ा बहुत जल्दी पहुँच भी गए तो अच्छी बात है, पैसेंजर्स खुश हो जाएंगे कि हाँ बहुत जल्दी पहुँचा दिया, सर्विस अच्छी है बस की, तो जिससे कि हमारी बस थोड़ी और ज़्यादा चलेगी और ज़्यादा हमें काम मिलेगा। वैसे आप कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे कि आपको हमारी बस कैसी लगी, मतलब अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से आपको हमारी बस कैसी लगी। पहले तो मैं एसी बंद कर देता हूँ, इन्हें पता नहीं क्यों ठंड लग रही है, तो एसी ऑफ कर देते हैं। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको बस कैसी लगी और ये गेम भी कैसा लगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए हर रोज़ एक न्यू गेम प्ले वीडियो लाया करूँ। तो इसको सामने ट्रक चल रहा है तो इसको जल्द से जल्द ओवरटेक करते आगे निकलते हैं। पहले तो यार एसी, अरे ये क्या हो गया, अरे अच्छा मुझसे पॉज हो गया था क्या, कोई नहीं, एसी तो मैंने ऑफ़ कर दिया है, लेकिन पता नहीं फिर भी पैसेंजर्स को ठंड क्यों लग रही है, पता नहीं क्या ही हो गया इन्हें। तो हट जा भाई, वरना कहीं पता चला कि ठुक दिया तुझे मैंने तो कहीं मुझे बस से मतलब जॉब से ना निकाल दे कल, तो प्लीज़ साइड हट जा। अरे यार एसी तो ऑफ कर दिया है, पता नहीं फिर भी इन्हें क्यों ही ठंड लग रही है भाई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अभी बस की स्पीड तो आप देख ही सकते हैं कि बस की स्पीड क्या ही चल रही है हमारी, और बाहर से देख सकते हैं कि बाहर से क्या मस्त व्यू लग रहा है, एकदम प्यारी सी हमारी बस, और सुबह देखिए एकदम मस्त सुबह सी सुहानी सी मॉर्निंग। हाँ बस ऐसा लग रहा है कि बस मैं नहीं चला रहा हूँ, मस्त गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हुए घूमने के ट्रैवल पे जा रहे हो और मज़े ही मज़े कर रहे हो। अरे ये कहाँ हम ऑफ टॉपिक घुस गए यार, कोई बात नहीं, होता है ऐसे, होता है। फिलहाल तो भी हम बस पर कंसंट्रेट करते हैं।
लेकिन बस चलाने में दिक्कत बहुत हो रही है यार, मतलब कंट्रोल करने में बहुत ही मुश्किल हो रही है मुझे। ऊपर से ये रोड भी बड़ी पतली है यार, जिससे कि टर्निंग पॉइंट भी बहुत सारे हैं, तो बस को मेंटेन रखने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये क्या है, स्टीयरिंग मिसबिहेव है। अब यार टर्न तो लेने के लिए तो स्टीयरिंग को तो थोड़ा टर्न करना ही पड़ेगा ना, ऊपर से इनको प्रॉब्लम अलग हो रही है। लेकिन इनको छोड़ो और आप व्यू देखो, इतना मस्त ऑसम लग रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लिमिट्स होती है स्पीड की, और हमारी स्पीड कुछ ज़्यादा ही थी स्पीड यहाँ पर 70 के अराउंड होनी चाहिए थी, लेकिन हमारी कुछ ज़्यादा थी। लेकिन कोई नहीं, हमने कंट्रोल कर ली ठीक वक्त पर, हमारा फाइन नहीं कटेगा। वैसे ड्राइविंग कुछ इतनी अच्छी नहीं है मेरी, तो अगर कहीं बस ठोक दूँ तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, वरना कमेंट में बोलेंगे कि अरे ये ऐसी कैसे बस ड्राइव करता है। तो क्या है, वो फर्स्ट टाइम ही है ना, वो कैसे GTA 5 में आदत है कि मतलब कोई भी कार्स ले लो, किसी की भी चुरा लो गाड़ी वाड़ी, और फुल स्पीड में जाने दो और ठोको। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं, अगर यहाँ बस ठोक दी तो पैसेंजर्स तो गुस्सा हो गई, लेकिन जॉब भी जा सकती है भाई। बाकी फ्रंट इंटीरियर भी बड़ा अच्छा ही लग रहा था, लेकिन डर लग रहा है कैमरे को बार बार रोटेट करने में, वरना पता चल रहा है कि हम कैमरा रोटेट कर रहे हैं और बस कहीं और ही जा रही है पानी वानी में। वैसे मैं एक न्यू गेम भी स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि स्पाइडरमैन रिमास्टर्ड है, क्योंकि इससे पहले मैंने स्पाइडरमैन रिमास्टर्ड के कुछ 2 वीडियोस अपलोड किए थे चैनल पर, लेकिन बस ऐसे ही कुछ 1-2 मिनट की वीडियो थी। लेकिन अब मैंने सोचा है कि अब एक मतलब फुल लॉन्ग वीडियो आया करेगी, फुल स्टोरी स्पाइडरमैन रिमास्टर्ड की पूरी, मतलब अरे ये क्या हो गया भाई, अरे कंट्रोल, ओ शिट, ठोक दी यार मैंने। क्या कर रहे है यार तू? तो मजाक है क्या? नहीं यार मजाक नहीं है, बट क्या है ना, फर्स्ट टाइम बस ड्राइव कर रहा हूँ, और वो भी कीबोर्ड पर, तो थोड़ा सा हार्ड तो होगा ही ना यार, तो गलती थोड़ी बहुत हो ही जाती है। लेकिन अब नहीं होगी, अब हम सही से ड्राइव करेंगे एकदम फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ।
ओके तो यहाँ से चेक कर लेते। अरे यार फिर से बच गए, लेकिन इस बार कोई टेंशन नहीं रहा, इस बार कंट्रोल कर ही ली। पता नहीं बार बार ये बस की कैमरा रोटेट करने के चक्कर में बस ठोकी देता हूँ मैं बार बार, और यहाँ से तो सही से निकाल लेंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं बच गए इस बार भी। सो मत यार, कहा था ना मैंने, मतलब इतनी खासी बस ड्राइविंग नहीं आती मुझे, बस थोड़ी बहुत कर लेता। तो हाँ मैं बोल रहा था कि मैं स्पाइडरमैन सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइए कि मैंने मतलब स्पाइडरमैन सीरीज़ स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ। और अगर आपको कोई और गेम भी पसंद है तो आप वो गेम भी कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि वो गेम भी खेलूँ। तो कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे। वैसे भी देखा जाए तो हमारी जो डेस्टिनेशन है वो कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, बस अभी आने में ही है, 29 किलोमीटर ही है, तो बहुत ही जल्द अभी हम पहुंच जाएंगे। और यार ये स्टीयरिंग मिसबिहेवियर हो ही रहा है, बट कोई नहीं, पहला पहला है। और हाँ प्लीज़ मुझे कमेंट में ये भी बताइए कि इस गेम का मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊँ या नहीं लाऊँ, मतलब इसका एक और रूट, मतलब कई और का रूट, लॉन्ग रूट लाऊँ या नहीं लाऊँ। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये गेम अच्छा लगा या नहीं लगा, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा है तो बोल दीजिएगा कि हाँ इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए, तो एक और लॉन्ग रूट वीडियो लेकर आऊँगा मैं, जो कि हम अच्छे खासे लॉन्ग रूट पर जाएंगे और अच्छी खासी वीडियो बनाएंगे। सामने रुकना ही पड़ेगा क्योंकि ट्रैफिक जैम है सिग्नल की वजह से, तो हमें भी रुकना पड़ेगा, वरना मैं रुकता नहीं या और टाइम वेस्ट होगा। अब पता नहीं कितनी देर रुकना पड़ेगा। हट जा यार, हट जा भाई, जल्दी वहाँ से हटो। हट गया, हट गया, हट ही गया आखिर वहाँ से। तो आखिर हम सिटी में आ ही गए गाइस, तो कुछ 9 किलोमीटर रह गया ऐसे हमारा बस स्टैंड, वहाँ पर हम पैसेंजर्स को छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर फिर से ट्रैफिक जैम सिग्नल पर, लेकिन नहीं नहीं निकल चुके हैं सब, निकल चुके हैं सब सिग्नल, जल्द से जल्द ग्रीन हो गया, तो अच्छा हुआ, चलो हम भी निकल जाते हैं। तो हम पहुंच गए गाइस जहाँ पर हमारा बस स्टैंड है, तो अब यहाँ पर हम बस पार्क करते हैं और पैसेंजर्स को उनके डेस्टिनेशन पर छोड़ते हैं। तो बस पहले अच्छे से पार्क कर लेते हैं। ओके तो बस पार्क कर ली, बस को ऑफ करते हैं और अब पैसेंजर्स को छोड़ते हैं। चलो भाई उतर जाओ, अंकल मैम उतर जाओ जल्दी से। अरे उतर जाओ, अच्छा उतर गए, ठीक है सही से तो उतर जाओ यार, गायब क्यों हो रहे हो। ठीक है तो इनके लगेज वगैरह दे देते हैं कंपार्टमेंट खोलकर। ठीक है तो ले लो, अच्छा ले लिया। ओके ये किसके बैग रही, किसी की बैग वैग तो नहीं रही ना, एक बैग पड़ी हुई, वरना बाद में बोलोगे बस वाला ड्राइवर बैग लेकर चला गया चुरा कर। अच्छा किसी की नहीं, चाहे ठीक है रहने दो। तो ठीक है हम भी यहाँ से निकलते हैं, हमारे वेयर हाउस में बस को पार्क करते हैं।
जहाँ पर हमारा फेयर हाउस इसी सिटी के थोड़े के बस स्टार्ट करते और निकलते। तो वेयर हाउस में हम आ गए गाइस। तो अब यहाँ पर हमारी बस पार्क कर लेते हैं, जल्दी से डोर ओपन हो जाए यार। ठीक है, तो गेट ओपन हो गया तो बस यहाँ पार्क करते हैं। तो यहाँ पर हमने बस पार्क कर दी। तो ठीक है, आज की जॉब यही ख़त्म करते हैं, आज बहुत काम कर लिया। आप कल मतलब एक और अगर वीडियो आपने कहा लाने का है तो ठीक है, हम एक न्यू जॉब में एक और लॉन्ग रूट लेंगे। बस इतने बस ऑफ़ करना भूल गया, तो तभी बस ऑफ़ कर दे, इंजन ऑफ़। ओके, डोर लॉक कर दे। और बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय।